अध्याय 15 आलेखों से परिचय के अंतर्गत एक सवाल लेते हैं हम कि मात्रा तथा मूल्य के लिए जैसे अभी बढ़े जो अभी हम लोगों ने आलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त की उसके थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि निम्न तालिका पेट्रोल की मात्राएं व उसके मूल्य बताती है, यानी कि पेट्रोल कितनी मात्रा में है और उसका मूल्य क्या है। ठीक है, तो ये इसके लिए एक ये चार्ट दिया हुआ है, चार्ट माने ये सारणी दी है। तो इसमें दिया हुआ है पेट्रोल की मात्रा लीटर में 10, 15, 20, 25 और पेट्रोल का मूल्य रुपयों में, यानी 10 लीटर आ रहा है 500 में, 15 आ रहा है 750 रुपए में और 20 लीटर आ रहा है 1000 में और 25 लीटर आ रहा है 1250 रुपये में। तो इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए ग्राफ बनाइए। देखिए, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ होता क्या है वो तो आपको पता चल चुका है। ग्राफ क्या होता है, ये एक्स और वाई एच का सम्मिलन होता है, यानी इधर एक्स एच बनाया जाता है, इधर वाई एच बनाया जाता है, ये हमारा ग्राफ होता है और बीच में यहाँ पर मूल बिंदु होता है। यहां तक तो हम लोग समझ चुके हैं। फिर अभी तक क्या सीखा था कि हम लोगों ने इनके एक बराबर बराबर दूरियां बना लेते हैं हम लोग, तो नहीं कि मान लो हैं यहाँ पे ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे बराबर बराबर दूरियों में इसका विभाजन करते हैं। और ग्राफ पेपर में तो ऑलरेडी ये वहां पर अंकित होता है पहले से, जो ग्राफ शीट होती है आपने देखा होगा वो ऑलरेडी इसमें ये 10-10 खानों में बटी रहती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके ये अगर इसको हाफ हाफ मान ले तो यानी सनी 5 इधर और 5 इधर, इस तरह कर करके ये 5 में से ऐसे बटी रहती, तो ये इस तरह हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। इधर भी ऐसे कर ले, आधा आधा मान लेते हैं, मान के चलते हैं 10 भागों में ऑलरेडी पहले से बटा हुआ है जैसे कि हमारे ग्राफ पेपर में रहता है। अब इसको दर्शाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे पेट्रोल की मात्रा तो किसी एक में इधर मात्रा ले लीजिए, एक में पेट्रोल ले लीजिए, तो हम लेते हैं मान लो पेट्रोल की मात्रा लीटर में, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम पेट्रोल की मात्रा, क्या ले लेते हैं, पेट्रोल की मात्रा। ये पेट्रोल की मात्रा किस पे दर्शा दिया गया, हमने SH पे दर्शा दिया, और ये लीटर में दिया। अब ये 10, 15, 20, 25 कैसे लेते हैं, तो यदि मैं इसको 5 से शुरू करूं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा करके हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं पैमाना, पैमाना हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ता है, पैमाना। अब पैमाना हम क्या मान रहे हैं, यानी कि जो पूरा पूरा 1 सेंटीमीटर को यदि हम 5 लीटर में मान लेते हैं, यानी एक एक जो ग्राफ होता है 1-1 सेंटीमीटर का, उसको हम कुछ वैल्यू जो पैमाना मानेंगे उसके आधार पर यहाँ पर अंकित करना है। तो हम मान के चलते हैं कि जो उसका जो पहला वाला श्रेणी है, यानी 1 सेंटीमीटर की जो श्रेणी है जो उस पर ग्राफ पे शीट पर बना हुआ है वो किसके बराबर है, 5 लीटर के बराबर। ये हमने मान लिया कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। ये कहाँ पर आ रहा है, एक्स अक्ष पर, ठीक है। और वाई अक्ष पर क्या दर्शा रहा है, ये देखो 500 तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो ये भी हमें मानना पड़ेगा। तो वाई अक्ष पर हम क्या मान सकते हैं, इधर इधर क्या है, पेट्रोल का मूल्य। तो यहां लिख देते हैं पेट्रोल का मूल्य, पेट्रोल का मूल्य, और ये ऊपर की तरफ चला गया। अब ये मूल्य तो लिख दिया लेकिन ये 1200 तो बहुत दूर चला जाएगा ना, तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। यानी हम 1 सेंटीमीटर को 500 रुपए मान ले तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसको ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 500 रुपए। 500 रुपए ये कहाँ पर है, ये है वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर ये दो हमने अलग अलग पैमाने मान लिए। जब हमने पैमाने मान लिए तो अब हमारा काम आसान होगा कि हम कोई भी आंकड़ा लिखेंगे तो बस इसी के आधार पर उसको पढ़ा जाएगा। तो जो 1 सेंटीमीटर को यदि हमने 500 मान लिया है तो ये 500, फिर ये 1000, ये हो जाएगा 1500, ऐसे करके ये इसका आंकड़ा बढ़ता है, ये 2000। अब ये जहां तक जाएगा वहां तक हम ले सकते हैं, ठीक है। और एक की बजाय अगर 2 भी लेना चाहे तो थोड़ा सा ऊपर तक चला जाएगा, कोई इससे दिक्कत है नहीं। तो अगर हम 2 सेंटीमीटर पे लेते हैं तो ये 2, 2, 4 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा,
ये भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर की जगह हम 2 भी ले सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर है। तो 2 सेंटीमीटर को यदि हम यहाँ पर 500 दर्शा लें, 2 सेंटीमीटर को अगर हम यहाँ पर 500 दर्शा रहे हैं तो ये हो जाएगा अगला वाला 1000, और इसके आगे जाएगा यहाँ कहीं ये हो जाएगा 1500, ठीक है, ये आगे जाके। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम शुरू करते हैं कि ये 10 और 500 वाले पहले हमने यहां पर निर्देशांक बना लेने हैं। तो पहला जो निर्देशांक बनेगा वो चूंकि x अक्ष पर लिया है तो x अक्ष वाला हमें पहले लिखना पड़ता, तो हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं, एक बनेगा 10 और 500 y अक्ष पर 500 बन रहा है, दूसरा बिंदु बन रहा है 15 और 750 का, तीसरा बन रहा है 20 और 1000 का, और ये चौथा बन रहा है 25 और 1250 का। बस ये जब निर्देशांक आपको पता हो गए, अब इनको ग्राफ आकृति करना, आलेखित बनाना है, ग्राफ में बनाना है। तो शुरू करते हैं, तो ये लीजिए पहला 10, तो ये 5 लीटर, ये 10 लीटर थे यहां पर आए, और ये जा रहा है 500 में, इसको बढ़ाइए ऊपर, तो ये दोनों आके यहां मिल रही है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये हमारा पहला बिंदु बन गया, और ये जो पहला बिंदु है यही कहलाता है 10 और ये 500, ठीक। फिर 15 लीटर पर कितने जा रहा है, 750, तो ये 15 ऊपर बढ़ाइए, देखिए 500 के बाद 1000, 2 सेंटीमीटर, तो बीच वाले क्या आ जाएगा, 750 आ जाएगा, तो 50 और 250, तो यानी एक जो है हमारा 250 पे आ गया, ये इधर बढ़ा, ये इधर बढ़ा, तो ये कहीं यहाँ आ गया। अब इसका पैमाना, ये निर्देशांक कितना है, 15 और 750। फिर 20 पर चले, 20 को आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, 20 का 1000 पर, तो 1000 को आगे बढ़ाया और इस 20 को ऊपर की तरफ ले गए, कहीं पर तो मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, ये यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20 और 1000। 25 को लेंगे, 25 और 1250, 1000, तो यहां हो जाएगा आधे पे 500 के बाद 1000, तो आधा वाला यहाँ पे 1500, तो यहाँ आधे वाले पे 250, ये बन जाएगा 1250। इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया, और ग्राफ बनाने के लिए अब जब ये बन जाते हैं तो हम क्या करना पड़ता है, इन सब को एक साथ मिला देना पड़ता है ऐसा, तो ये बिल्कुल क्या प्राप्त कर रही है, ये सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, और अगर इसको बढ़ाएं तो ये देखिए, अगर इसी प्रकार पीछे की तरफ बढ़ेगा तो कहां, ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, ये यहां कहीं से गुजरेगा, ये मूल बिंदु से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि ये आनुपातिक रूप से पीछे उतर रहा है, तो आनुपातिक रूप से उसी अनुपात में बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कैसा बना, ये सरल रेखा, कैसा सरल रेखा, ये कैसे प्राप्त हो गई, ये सरल रेखा प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त हो गई, सरल रेखा प्राप्त हुई, बस समझ में, ये बढ़ाते जाएंगे ये आगे, इससे भी पता चलता है कि जैसे जैसे ये क्या बोलते हैं, ये रुपया बढ़ेगा पेट्रोल की मात्रा बढ़ेगी, पेट्रोल की मात्रा घटेगी आपके रुपया घटते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा ना रुपया लेंगे ना रुपया देंगे ना आपको पेट्रोल मिलेगा, अर्थात शून्य शून्य, एक जगह दोनों आके शून्य शून्य हो जाएंगे, और जितना ज्यादा आप पैसा देंगे उतना ही आपको पेट्रोल मिलता जाएगा, इस तरह की ग्राफ हमें प्रदर्शित करता है। अब ये जो प्रश्न है समय और दूरी का, इसमें एक प्रश्न ये समझाया गया है कि अजीत लगातार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 30 किलो, एक घंटे में 30 किलोमीटर जाना की गति से स्कूटर चलाता है, इस स्थिति के लिए समय और दूरी के बीच एक आलेख खींचिए, और इस आलेख से ये दो प्रश्न दिए गए हैं, इनको याद करना है। तो ये हमारे पास ये कंडीशन सबसे पहले तो ये दी है कि इससे हमको
आंकड़े प्राप्त करने हैं। तो आंकड़े क्या मिल रहे हैं, तो हम ये देखें पहले कि हमारे पास एक ही लाइन दी हुई है, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है। तो या तो हम इसका पहले एक सम लगा लेते हैं कि इसका जो हल कैसे निकालेंगे, पहले तो वो करेंगे। तो लगने वाला समय कितना है, लगने वाला समय और उसकी जो उसमें जो दूरी तय हो रही है, यानी कि जब उस समय में कितनी दूरी तय हो रही है, और ये जो दूरी, सबसे पहले हम ये आंकड़ा निकालेंगे। तो लगने वाला समय जो है बता रहे हैं कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी चल रहा है, ये दूरी किलोमीटर में, ठीक है, और ये समय घंटे में, ठीक है, ये हमें दिया है। तो अब इसके आधार पर हम आंकड़ा बढ़ा ही सकते हैं, क्योंकि हमको ये 3.5 घंटे तक चलना है ना, 75 किलोमीटर दूरी। तो इसी में से हमको अब आंकड़े ढूंढने, कैसे कैसे प्राप्त किए। तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 30 गुणे 2, अर्थात 30 दूनी 60, 3 घंटे में कितना चलेगा, 30 गुणे 3, अर्थात 30 तिहाई 90, 4 घंटे में कितना चलेगा, 30 गुणे 4, 3 चौके 12, 120 किलोमीटर, ये सारे दूरी। अब हमको अधिकतम देखिए प्रश्न में क्या, 75 किलोमीटर और 3.5 घंटे, 3.5 तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और दूरी भी 75 किलोमीटर यहीं कहीं 60 और 90 के बीच में आएगी, ये पता चल गया। तो हमारे पास जो आंकड़े मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे में 60 किलोमीटर, 3 घंटे में 90 किलोमीटर और 4 घंटे में 120 किलोमीटर। ये हमारे को तो आंकड़े मिल गए, तो मैं यहां से इसको साफ करता हूं, फिर यहां पर इसकी जो है तालिका बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आया है इसको आपको पहले, सबसे पहले तालिका बनानी पड़ेगी, जैसे ही सवाल हल करेंगे उसके बाद यहां पर तालिका बनेगी। तालिका क्या क्या बनी थी, जो आपने अभी अभी लिखा था उसी की ये तालिका बनेगी, ये बन जाएगी हमारी तालिका। अब इस तालिका में क्या लिखना है, वही जो अभी अभी आपने निकाला है, क्या क्या निकाला था ऐसे बना लेते हैं। इधर क्या निकाला था, अभी समय और समय के साथ जो दूरी बदल रही थी वो निकाला था। समय किसमें निकाला था, घंटों में था, और दूरी क्या है, किलोमीटर में थी, यही तो था। अब देखिए 1 घंटे में आपने 30 किलोमीटर निकाला था अभी अभी, चूंकि जो क्वेश्चन नहीं दिया है। अब इसके आधार पर 2 घंटे में कितना बन रहा था, 2 घंटे में जा रहा था 60 किलोमीटर, 3 घंटे में जाएगा 75 किलोमीटर, 3 घंटे में 90 किलोमीटर और ये 4 घंटे में 120 किलोमीटर ये पहुंचा। इस तरह हमें ये तालिका बना लेनी है, यानी कि सारणी बना लेनी। फिर क्या करना है, आलेख खींचना। आलेख खींचने का तरीका क्या है, वही ये मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष। अब एक तरफ समय ले लीजिए, एक तरफ दूरी ले लीजिए। तो यहां से मान लीजिए हम इस पर ले रहे हैं समय, तो समय बनाने के लिए आपको ऐसे घंटे बदल दीजिए, तो थोड़ा यहां से बना लीजिए 1 2 3 4, इतने में काम चल जाएगा। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से पैमाना जैसे जो करेंगे वो लिखना भी है। तो आपने क्या माना, एक्स अक्ष पर क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर क्या मान रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये घंटे ले रहे हैं। एक्स अक्ष पर क्या ले रहे हैं, घंटे। तो एक्स अक्ष पर जो घंटा है वो एक इकाई, यानी यहाँ कि ये हम जो 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं यहाँ पर, वो किताब में आप अपने ग्राफ में 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जितना भी मानना है। तो हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इकाई। यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर नहीं है, ये इकाई है, आप वहां सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितना ले रहे हैं हम, 1 घंटा। हमारा सेंटीमीटर यहाँ बड़ा बड़ा रहेगा, आपका वहां नाप के वो स्केल के हिसाब से चलेगा। तो 1 सेंटीमीटर में हमने 1 घंटा ले रखा है,
और इधर दूरी भी बना लीजिए, तो मान के चलते हैं कि आप हमको इस तरह बनानी है, तो हम 10 10 से शुरू करें यदि, तो ये ऐसा कर लेते हैं, एक दो तीन, यहां कहीं चार, पैमाना आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो एक इकाई को हम अगर हम 30 में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, दूरी के एम में, तो हम अगर यहां से 30 से भी शुरू कर दें तो 30 60 90, तो इधर बन जाएंगे 120। ये आपके ऊपर निर्भर है, यानी एक इकाई को हमने क्या मान रखा है, 30 सेंटीमीटर, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो 1 सेंटीमीटर को हमने मान लिया है 30 किलोमीटर, क्योंकि जितना आसान रखेंगे उतना ही आपको काम करने में आसान। पैमाना आप 10 10 के हिसाब से भी डिवाइड कर लिए, थोड़ा सा ऊंचा चला जाएगा, हमने सीधे 30 पर लिया है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी ऊंचाई पर, मतलब कितना पैमाना मानते हैं, जो पैमाना मानेंगे उसी हिसाब से हमारा काम होता है। तो आप 30 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा जो है आंकड़े सिमेट्रिक है, तो हम 30 मान सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं। तो ये जो है पहला प्रश्न कह रहा है कि अजीत को, अब यहाँ पर पहला प्रश्न शुरू होता है ये वाला, कि अजीत को 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय, 75 किलोमीटर कहाँ आएगा सबसे पहले, तो आपको ये देखना है। तो 75 किलोमीटर कहाँ जाएगा, ये पहला, यानी 1 घंटे में यहाँ पर 30 जा रहा था, इसी इसी अनुपात में था। देखिए पहले तो ऐसे ऐसे ग्राफ बना लीजिए, ये देखिए 1 घंटे में ये जा रहा था, 2 घंटे में, और ये जा रहा था 3 घंटे में, और ये जा रहा था 4 घंटे में। ये इस तरह करके वो उसमें डॉटेड लाइन पहले से बनी रहती है, आप यहां पर आपको बनाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले घंटे में 30 किलोमीटर गया है, दूसरे घंटे में ये 60, फिर ये 90, फिर 120, ये हमारा तो ग्राफ बन रहा है। तो ग्राफ कैसे जा रहा है ये भी देख लीजिए, ये पहला बिंदु 1 1 घंटे के हिसाब से, तो ये हमारा ग्राफ तो पहले तो गया है, ये सरल रेखा है, ठीक है, ये सरल रेखा के हिसाब से हमारा ग्राफ बना है। अब हमको जवाब ये देने हैं कि ये अजीत 75 किलोमीटर दूरी, 75 किलोमीटर कहाँ आएगी, देखिए 60 किलोमीटर तो ये रही, तो जब ये 75 कहाँ, 15 जोड़ेंगे तो 75 और 15 जोड़ेंगे तो 90, तो यानी 75 किलोमीटर यहां कहीं होगा, यही होगा। तो जब 60 घंटे में 2 घंटे लगेंगे तो आधा इधर भी तो बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इसको यहां से नीचे उतारूं, तो जहां पर भी ये मिलेगा, ये तो 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय कहां देख रहे हैं, तो 60 से ज्यादा अर्थात 2 घंटे से ज्यादा, तो यहां पर आ जाएगा ये 75 किलोमीटर, और लगने वाला समय कितना हो जाएगा, ये देखो 2 और 3 के बीच में, मतलब 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। तो पहले का जवाब क्या हुआ, अजीत को 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, ये आ रहा है 2.30 घंटा या आवर, ये इसका आंसर। यहां आप कहीं यहां नीचे लिख लीजिएगा जगह बना के। अब अजीत द्वारा 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय की गई, तो 3.5 घंटे में देखिए, 3 घंटा तो ये रहा, 3 घंटे में कितना जा रहा, 90, ऐसे ग्राफ बढ़ाते हाथ बढ़ाना, 3 तो 90, तो 3.5 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में यहां कहीं आएगा, तो इसको ऊपर बढ़ाइए, किधर जा रहा है, 90 से आगे जाएगा और 120 के बीच में, तो 90 में 15 और जोड़ दीजिए, तो 90 में से 15 जोड़ दिया, ये यहां आ गया, तो 90 धन 100 और 105, यानी कि यहां पर 90 में से 90 धन 15 किलोमीटर और चला, तो 9 ये 5 9 और 1 10, यानी 105 किलोमीटर चला, और घंटा कितना हो रहा है यहां पर, 3.5 घंटे, 3 और 4 के बीच का ये हो जाएगा 3.5 घंटा। तो इसका जवाब क्या हुआ,
अजीत द्वारा 3.5 घंटे में, यानी ये रहा 3.5 घंटा, पीछे आइए कितना जा रहा है, 105 किलोमीटर। तो ये हमारा जवाब हो गया। तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे वो आपको इस तरह निकालने पड़ेंगे। पहले वो जो जो शर्त दी रहती है उसके आधार पर आपको एक उसको हल कर लेना है, फिर उसके बाद एक तालिका बना लेनी है, तालिका बनाने के बाद ग्राफ बनेगा और ग्राफ में ये जो आलेख है बिल्कुल दर्शा देने हैं, फिर इनका जो जवाब है उसको ढूंढ ढूंढ के लिख देने हैं और इस तरह आपका ये आंसर प्राप्त हो जाता है। प्रश्नावली हम लोग लेते हैं 15.3 का सब कुछ सवाल। पहला सवाल लेते हैं, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाएं। ऑलरेडी पहले से तालिका दी हुई है और पहला प्रश्न उसमें ए का है कि सेबों का मूल्य, सेबों की संख्या एक तरफ दी हुई है एक तरफ मूल्य। इसमें चूंकि तालिका पहले से दी हुई है तो आपको कुछ करना नहीं है, बस सीधे सीधे इसमें ग्राफ बना देना है। ये रहा हमारा ओ, ये रहा वाई और वाई एच और ये रहा एक्स एच। और जैसा कि उसमें ग्राफ में पहले से बना रहता है, हमें यहां पर भी विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बराबर बराबर दूरियों से हमने विभाजन कर लिया, यहां भी कर लीजिए। ऐसे करके विभाजन बना लिया और इनका पैमाना लिख दिया यहां पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अभी जो ये लिखा है इसका पैमाना मानना पड़ता है। तो आप यहाँ पर क्या क्या मान रहे हैं, तो मैं अगर कहूँ कि ये सेबों की संख्या अगर हम यहाँ पर x पर ले लेते हैं तो मूल्य इस पर किस पर आ जाएगा, y अक्ष पर। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सेबों की संख्या, ये ऐसे लिख दिया था, सेबों की संख्या, ये हम कहाँ दर्शा रहे हैं, x अक्ष पर। तो y अक्ष पर अब क्या दर्शाएंगे, इस पर दिखेगा मूल्य, मूल्य मूल्य कहे में आ जाएगा रुपयों में, या ऐसा रुपए का ये चिन्ह बना दीजिए, ये मूल्य रुपए में आ गया, ये मूल्य। अब जो आपने लिखा है वो पैमाना वहां पर लिख दीजिए, क्या क्या माना था कि पैमाना हमने माना था एक्स अक्ष पर क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं एक सेब, 1 सेंटीमीटर पर एक सेब। दूसरा पैमाना क्या मान रहे हैं, वाई अक्ष पर, यहां अक्ष लिखना, ये वाई का मतलब है वाई अक्ष ही है, वाई अक्ष पर क्या लिख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर ये इसका दाम, दाम मतलब 5 रुपए, ये इसका रुपया में मूल्य हो गया। ये हमको मानना पड़ता है, जो मान तो लिए है मतलब उसको लिखना भी पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं एक पर, यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 है यहाँ पर रुपये में है, तो यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 भी जाएगा, तो ये 5 10 15 20 25 और आगे बढ़ता जाएगा। तो बढ़ाने का क्या तरीका है, जब 5 रुपया दे रहे हैं तो कितना मिल रहा है, एक सेब मिल रहा है, एक बिंदु ये मिल गया। फिर जब 10 रुपया दे रहे हैं तो कितने सेब मिल रहे हैं, 2 सेब, इसका बिंदु यहां मिल गया। फिर 15 रुपये में कितने मिल रहे हैं, 3 सेब, तो ये बढ़ाया और ये बढ़ाया, ये 15 रुपये में मिल गए। 20 रुपये में 4 मिल रहे हैं, तो ये बढ़ाया और इधर ये बढ़ाया, ये 20 रुपये में 4 हो गए। 25 रुपये में ये 25 को आगे बढ़ाया, में 5 मिल रहे हैं, ये आगे मिल गया 5। ये हमारे बिंदु, आप डॉट लगा सकते हैं ऐसे, इसे बिल्कुल अलग टाइप का दिखते रहे, ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, लगा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बस इनको मिला देना है, ये देखिए ये मिल गया, ये कैसा प्राप्त हो रही है, निम्न तालिकाओं के लिए एक आलेख बनाइए, तो ये सरल रेखा प्राप्त हो गई। तो ये आलेख कैसा हुआ, सरल रेखा आलेख लिखना है, लिख दीजिए,
सरल रेखा प्राप्त हुई, सरल रेखा प्राप्त हुई, सरल रेखा प्राप्त हुई। इसका विश्लेषण कैसे करेंगे कि जैसे जैसे आप दाम बढ़ाएंगे सेबों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दाम घटाएंगे सेबों की संख्या गिरती जाएगी। इसका विश्लेषण ऐसा कर सकते हैं। अब इसका जो ये बी पार्ट है, इसमें क्या कह रहे हैं कि कार द्वारा तय की गई दूरी ये दे रखी है, समय घंटों में 6 बजे प्रातः 40 किलोमीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर, 9 बजे 160 किलोमीटर, यानी सिमेट्रिक रूप से बढ़ रही है, यानी कि एक नियत गति से बढ़ रही है। अब इसके आधार पर ये कुछ एक तो आलेख बनाना है, फिर आलेख में हमको ये दो चीजें बतानी है कि 7:30 बजे प्रातः यानी कि इसके आगे और 8 बजे के पहले अंतराल में इसके इसके बीच में 7:30 बजे इसने कितनी दूरी तय की, एक तो ये बताना है वो भी ग्राफ के द्वारा, और फिर कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था, यानी वो समय बताइए जब वो 100 किलोमीटर पे था। यानी दोनों को सबसे पहले करने के लिए आप तो आलेख बनाए, तो आलेख के लिए सबसे पहले जो तरीका सिखाया हम लोगों ने कि ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये रहा मूल बिंदु और ये हमारा वाई अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष। तो शुरू करते हैं, एक्स अक्ष पर कुछ ले लीजिए, इसमें ले लीजिए, एक्स अक्ष पर समय ले लेते हैं, एक्स अक्ष पर क्या ले लेते हैं, समय ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि ये रहा समय हमारा, समय तो समय कितने जा रहे हैं, 40 80, तो हम यहां से शुरू कर देते हैं, यहीं से शुरू कर दें, 4 8 12 16। अब जो माना है वो लिखना भी है, यानी 1 सेंटीमीटर को हम ले रहे हैं एक्स अक्ष पर, 1 सेंटीमीटर को हम 40 किलोमीटर दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं रहता, पैमाना आपके हाथ में रहता, आप 10-10 के हिसाब से बांटेंगे तो थोड़ा सा दूर तक लंबा ग्राफ बनेगा, यानी 1 सेंटीमीटर को 10 लेंगे तो आपको थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा, या 1 सेंटीमीटर को 20 किलोमीटर ले लीजिए, हम सीधा सीधा एक, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड आंकड़े हैं, जगह कम है, तो हम उसी हिसाब से पैमाना मानेंगे, आपके ऊपर निर्भर है, 1 सेंटीमीटर को 20 मान लीजिए, 2 को फिर उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाइए। इसी तरह यहां पर हम ले लेते हैं जो हमारा समय ले लेते हैं, ये पैमाना मानने में कोई वो फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन गया जो एस एच पर 1 सेंटीमीटर 40 लिया था, तो हमने यहाँ पर 40 लिख देना है, फिर ये हो जाएगा 80, फिर ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 160, इतने पर ही हमारा काम चल जाना है। और वाई एच पर क्या मान रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 6 बजे, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें कि यहाँ पर ऐसा क्रैंक बना दे, मतलब ये जो है ऐसा ऐसा तोड़ दे, ऐसा ऐसा बनाया जाता है, इसका मतलब होता है कि इधर की जो इकाइयां हम नहीं लिख रहे, तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से प्रातः 6 बजे, यानी हम यहां पर क्या ले रहे हैं, समय, यहां समय यहां लिया है तो समय यहां लिखो, फिर हमने दूरी लिख दिया, यहां पर समय यहां लिया तो समय लिखना है, सॉरी समय ये है 6 बजे, तो यहां लिखिए 6 बजे, 6 बजे, तो ये जो है दूरी इधर नहीं टूटेगी, ये इस तरफ टूटेगी, ये ऐसा 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 तोड़ देते हैं, तो यानी यहां तक कि हम वो इकाई नहीं लिख रहे हैं, यहां से 6 बजे, ये 7, ये 8, ये 9, अब लिख सकते हैं यहां पर समय, ठीक है, ये प्रातः का समय जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देना है पूरा, 9 बजे प्रातः, ये सारी सारी दूरियां लिखिए। अब ये चल रहे हैं दूरी, तो यहां पर लिखिए दूरी, दूरी है काहे में, किलोमीटर में, ये दूरी किलोमीटर में ये लिख दिया। अब हम एक इकाई को कितना ले रहे हैं, एक यहां पर समय लिखा था तो समय भी लिखिए, यानी समय एक इकाई को हम ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को 1 घंटा, अब चूंकि ये इधर को हम एक एक सेंटीमीटर को 1 घंटा लिया, तो इधर का लिखा ही नहीं, तो हम एक ही एक लिखेंगे, ठीक है ना, यानी ये 1 घंटा जो है 1 सेंटीमीटर पे ही आ रहा है। यहां पर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर को वाई एच पर, 1 सेंटीमीटर को हम ले ले रहे हैं 40 किलोमीटर,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, आप 20-20 करके भी बना सकते हैं। तो ये 40 हो जाएगा, तो दूसरा ये 80, फिर ये 120 और ये 160 और फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, हमारे इतने में ही काम चल रहा है। तो शुरू करते हैं, 6:40, तो इसको बढ़ाइए, इस ग्राफ को बढ़ाइए। पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं, आया कैसा रहा है। एक यानी कि ये जो 6:40 SH पर क्या लिए थे, तो इसका जो पैमाना आखिर लिखेंगे, 6 पर कितना है 40 किलोमीटर, और 7 पर है 80, और 8 पर कितना है 120, और 9 बजे कितना है 160। ये हमारे जो है आंकड़े, बस इस आंकड़े को पहले हम यहां पर बना लेते हैं। तो इसको आगे बढ़ाइए, 7 को ऊपर ले चलिए, ये कहाँ मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, इसको ऊपर लीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, ये यहां मिल रहा है, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, ये यहां भी मिल रहा है, और ये सॉरी ये ग्राफ सीधा सीधा बना दिए, ऐसा ग्राफ चला जा रहा है। ये जो बिंदु आए थे इन बिंदुओं का नामकरण कर दीजिए, पहला बिंदु 640 था तो यहाँ 640 लिख दीजिए, दूसरा बिंदु यहाँ पर आया था 780 तो ये 780 में कन्वर्ट हो गया, तीसरा बिंदु था 8120 तो ये 8120 में है, और ये है 9160। कॉमा लगा लगा के लिखना है, ये हमारे क्या बन गए, निर्देशांक। अब शुरू करते हैं, यहां तो हमारा अभी तो ये इसकी वजह से ये ग्राफ आया, अब प्रश्नों का जवाब देना है। 7:30 से 8 बजे प्रातः, 7:30 कहाँ होगा, ये 7 और ये 8 के बीच में यहाँ कहीं 7:30 होगा, यानी यहां पर अंतराल में कार, पहले देखिए यहां पर कितनी दूर चलेगी, जब ये 7 बजे कहां पर था, यहां था, तो आधे घंटे बाद यहां कहीं होगा दूरी, तो ये बढ़ाइए आगे, जहां पर ये मिलेगी और यहां पर ये मिलेगी, तो कहां पर मिलेगी देखिए, अगर ये चूंकि 12 बराबर 4 भागों में बटा है, तो ये 80 और इसके भी 40 40 जा रहा था, कितना कहलाएगा 100 किलोमीटर कहलाएगा, यानी ये 100 किलोमीटर दूरी बनी, और यहां पर टाइम कितना बना 7:30, तो इसका मतलब ये वाला जो बिंदु बना रहा है हमारा, ये कैसा बन रहा है, एक्स एच पर 7.3 और वाई एच पर 100, ये हमारा जो है निर्देशांक बना। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि 8 बजे से 7:30 बजे के बीच में कितनी द्वारा, इसके बीच की दूरी बतानी है, तो देखो जी ये 8 बजे पर बीच में दूरी है 120 किलोमीटर और 7:30 बजे है 100 किलोमीटर, यही तो है। तो जवाब कैसे लिखेंगे, इसका जवाब हम यहां पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 बजे दूरी 120 किलोमीटर और 7:30 बजे कितनी है 100 किलोमीटर, तो अंतर क्या हुआ, अंतर ही तो पूछ रहा है, अंतराल में कितनी दूरी तय की है, तो इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा 20 किलोमीटर, ये हमारा जवाब हुआ, किसका, इस वाले का, इसका जवाब हुआ। यानी कि इस अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई, इस अंतराल में कार द्वारा 20 किलोमीटर दूरी तय की गई, ये पहले प्रश्न का जवाब हुआ। दूसरे प्रश्न का जवाब यह है कि कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था, तो देखो जी 100 किलोमीटर तो ये रखा और ये इसी समय पर आया था, यानी यह कहां पर आ रहा है 7:30 बजे, तो आप यहां पर चूंकि 7:30 बजे 100 किलोमीटर था, तो आप इसका जवाब यहां पर लिख लीजिए, समय कितना था 7:30 प्रातः, यानी 7:30 बजे प्रातः वो 100 किलोमीटर दूरी तय कर लिया था, यानी 7:30 बजे का समय था, समझ पा रहे हैं।